हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल को पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो बैक एक्सरसाइज और ब्लू प्रिंट्स क्वेश्चन हैं वो भी कम्प्लीट कर लिए हैं। तो आज है टेस्ट। वो टेस्ट कैसा? अगर आपने सारे क्वेश्चंस भी समझ लिए, चैप्टर भी समझ लिया है, तो आपके लिए MCQ, ठीक है। तो उसका आंसर तो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपने अपना आंसर जो है नोटबुक पे नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आपने अपना आंसर मिलाना है कि क्या आपके आंसर सही गए हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि टोटल क्वेश्चंस में से आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स मिले। आई थिंक 18 MCQ हैं, तो 18 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स हैं, इससे आपको पता लगेगा आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर ज्यादा रॉन्ग गए तो आपने एक बार फिर से चैप्टर को समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। जो एल्यूमिनियम है ना, मेटल, ठीक है, उसका यूज किस में किया जाता है? यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन में, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की, किसके कारण इसका यूज किया जाता है? ए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड सेकेंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ हाई मेल्टिंग पॉइंट, या फिर इसमें कोई दो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। तो इसके लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी सेकेंड एंड थर्ड, डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसका कंडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है, वो गर्म जल्दी हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे तो हमें इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत ही नहीं है। डक्टिलिटी, हमें वायर की भी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूटेंसिल्स के लिए देखना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस ये भी राइट है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो हम उसको में उसमें खाना बना सकते हैं ना, नहीं तो फिर क्या होगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा? यहाँ पर है डी, ठीक है, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट एब्यूंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली मेटल, वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो फटाफट। ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। तो राइट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल। अब इसमें बताना है पोरस कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। राइट आंसर इज, राइट आंसर है इसका लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल, ठीक है, बेल, जो बेल बजाती है ना वो, एंड स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार और वायोलिन में, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की? सोनारसेंस एंड मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ए, सोनरस जो प्रॉपर्टी होती है उसी की वजह से मेटल में क्या होती है, आवाज़ आती है, जो झंझनाहट की आवाज़ होती है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं इनको। तो कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें, देखो हम अगर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो इसमें जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। तो हमारा फर्स्ट तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर हम सेकंड के पास चलें तो सोडियम और जिंक, ठीक है, सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर उसके बाद हम चले तो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, तो इसकी गलत है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बार बार पूरे चैप्टर में यही कह रही हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, और उसकी शॉर्टकट में ट्रिक मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है। या आप बोलोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जो है लिंक को, उसके लिंक को अलग से दे दूंगी, रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है। तो आपने उसको अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। चैप्टर 3 में ही आपको मिल जाएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आप ध्यान से सारी प्लेलिस्ट चेक करोगे चैप्टर 3 की। तो अगला अगर हम सी देखें,
सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये भी गलत है क्योंकि जिंक और मैग्नीशियम गलत है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक कम रिएक्टिव होता है। अगर हम लास्ट के पास पहुँचे तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये क्या है हमारा राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज है। जिस दिन आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे रिएक्टिविटी सीरीज की फिर से बात, हमें बताना है कौन से पेयर में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है और आके खुद वहाँ अपनी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा Fe और अगर हम कॉपर में देखें, आयरन और कॉपर में देखें तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है? इसमें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर तो जा ही नहीं सकता इसकी जगह, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको पता लगेगा। अब बात करें सिल्वर की और कॉपर की, तो सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव, और कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा? यहाँ से सिल्वर को भगा देगा और यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है? राइट आंसर। अगले में भी चेक कर लेते हैं, क्या पता दो आंसर ना सही हो, ठीक है। कॉपर और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो ये तो इसको भगा ही नहीं सकता है, ठीक है। सोडियम की बात करें और कॉपर की बात करें तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये भी इसको नहीं भगा सकता है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो गया? बी, ठीक है। और कैसे हो गया ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज। कोवलेंट, सबसे पहले दो बॉन्ड आपको मैंने चैप्टर में बताए थे, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ले रहा है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, जो ले रहा है तो नेगेटिव, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच बात करें तो कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, ठीक है। और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसके भी लास्ट में क्या है? 4 है। तो अब ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? ये इसके साथ और ये इसके साथ जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेगा, ठीक है, शेयर कर लेगा, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड जो होता है हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे हमने लिखा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा किस में होता है? मेटल और नॉन मेटल में, और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा किस में होता है? नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन क्या था? नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन एटम। अब आपको पता लग गया इसमें आंसर, जल्दी से पॉज करो और आंसर लिखो। तो राइट आंसर क्या है? देखो अभी जो मैंने इतना सारा समझाया था वहां से आपने कंक्लूजन निकाला होगा, कोवलेंट, कोवलेंट मीन शेयर। अब शेयरिंग की बात कहाँ हुई है? यहाँ हुई है शेयरिंग की बात, यहाँ हुई है शेयरिंग की बात, तो यहाँ पर बोला है कैन नॉट और यहाँ पर बोला है कैन, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द टाइप फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इसमें से आपको बताना है कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड जो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें KCl, एक पोटाशियम है और एक क्लोरीन है, एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो ये तो आयनिक कंपाउंड होगा। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या हैं? ऑलमोस्ट नॉन मेटल की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, वैसे ये मेटल भी होता है, लेकिन अगर आप देखो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1, क्लोरीन के पास भी क्या है? 1,
तो अब ये इससे लेगा या ये इसको देगा, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये तो नहीं होगा आयनिक बॉन्ड, इसमें तो आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। CCl4, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक कार्बन एक क्लोरीन है, दोनों ही नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच में हमने क्या बोला था, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अगला देखें NaCl, NaCl में क्या होता है, NaCl में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मीन्स आयनिक बॉन्ड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक यहाँ आयनिक बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ, वो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन कन्फ्यूजन, पहले क्वेश्चन देख लेते एक बार फिर से। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, कौन सा नहीं है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, यहाँ पर हमने देखा था सेकेंड नहीं है और थर्ड नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड कौन सा है हमारा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्लास 9th में आपने किया होगा ना, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसमें यहाँ पर X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 2-4, Y का है 2-7, Z का है 2-1। अब आपको बताना है विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे, आयनिक कंपाउंड, और राइट द करेक्ट फॉर्मूला, और उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई में देखो आपके पास क्या है, एक मिनट पहले इसको सेट कर देते हैं। अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स के पास क्या है, एक्स के पास है 2 और वाई, एक्स के पास लास्ट में है 4 और वाई के पास लास्ट में 7, तो 7 को 1 चाहिए और इसके पास तो 4 है ना, तो ये शेयरिंग तो नहीं कर सकते ना, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और हमें क्या बताना है, आयनिक कंपाउंड बताना है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके पास है वाई जेड। अगर हम YZ की बात करें, Y के पास 2-7, लास्ट में क्या है आपके पास 7 और Z के पास क्या है 1, तो ये बना सकते हैं ना, क्योंकि Y क्या करेगा, इसे Z से 1 ले लेगा और ये Z 1 दे करके ये अपना कंप्लीट कर लेगा, और ये Y से लेके अपना कंप्लीट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या हो गया, YZ, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस को भी आपने सॉल्व करके समझना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर, चमक होती है, नॉन मेटल हम कहते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस में ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी आयोडीन, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब बात देखो यहाँ पर किसकी आ रही है, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किस में होता है, मेटल में कि नॉन मेटल में, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है। एसिडिक ऑक्साइड किस में होता है, नॉन मेटल में, ठीक है। तो यहाँ नॉन मेटल, यहाँ अगर हम सोडियम देखें तो ये क्या है, ये तो मेटल है, तो यहाँ नहीं होगा। मैग्नीशियम भी क्या होता है, मेटल, तो ये भी गलत आंसर है। आगे अगर हम देखें एल्यूमिनियम, तो ये भी मेटल है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो ये क्या है, नॉन मेटल। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इंटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमें कार्बोनेट जो है और है उसको हीट करना है, लेकिन किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस दिए आपको, तो हमें पता है इसमें से कि एक तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से कि ये दो प्रोसेस होती है इसको एक्सट्रैक्ट करने में। तो लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है, और इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। एब्सेंस ऑफ एयर, राइट आंसर क्या है, कैल्सिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग विद ए लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन में जो आयरन होता है उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, ए गैलियम, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक, डी सिल्वर, तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है जिंक।